हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की कहानी है दोस्तों क्या बनेंगे ये। दोस्तों आप सभी के मन में क्वेश्चन होता होगा दोस्तों कि अपने बच्चों के प्रति दोस्तों मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। दोस्तों आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा दोस्तों आपके मन में भी ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पूरी कहानी आज सुनिए दोस्तों तो आपके मन में से ये डाउट निकल जाएगा दोस्तों कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेंगे। ये कहानी का टाइटल ही है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की जो गंभीरता पूर्वक जो बातें होती है दोस्तों जो कि आपके मन के अंदर दोस्तों घर कर लेती है दोस्तों तो उन्हें घर नहीं करना देना चाहिए दोस्तों और उन्हें सहज भाव से लेना चाहिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। काफ़ी प्रेरणादायक कहानी दोस्तों तो पूरी कहानी जरूर जरूर सुनिए दोस्तों। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है दोस्तों यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने बच्चों को एक असाइनमेंट दिया। विषय था मुंबई की धारावी झोपड़पट्टी में रहते 10 से 13 साल की उम्र के लड़कों के बारे में अध्ययन करना और उनके घर की तथा उनकी सामाजिक परिस्थिति की समीक्षा करके भविष्य में वे क्या बनेंगे इसका अनुमान निकालना। कॉलेज विद्यार्थी काम में लग गए। झोपड़पट्टी में 200 बच्चों के घर की पृष्ठभूमि का माँ बाप की परिस्थिति वहाँ के लोगों की जीवन शैली तथा शैक्षणिक स्तर शराब तथा नशे पदार्थों का सेवन ऐसे कई सारे पॉइंट्स पर विचार किया गया। तदुपरांत हर एक लड़के के विचार भी गंभीरतापूर्वक सुने और नोट किए गए। करीब करीब एक साल लगा असाइनमेंट पूरा होने में। इसका निष्कर्ष ये निकला कि उन लड़कों में से 95% बच्चे गुनाह के रास्ते पर चले जाएंगे और 90% बच्चे बड़े होकर किसी न किसी कारण से जेल जाएंगे। केवल 5% बच्चे ही अच्छे काम कर पाएंगे। बस उस समय यह असाइनमेंट तो पूरा हो गया और बाद में यह बात का विस्मय हो गया। 25 साल के बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नज़र इस अध्ययन पर पड़ी। उसने अनुमान कितना सही निकला यह जानने के लिए 3-3 बच्चों की 5 टीम बनाई। उन्हें धारावी भेजा। 200 में से कुछ का तो देहांत हो चुका था तो कुछ दूसरी जगह चले गए थे। फिर भी 180 लोगों का मिलना हुआ। कॉलेज विद्यार्थियों ने 180 लोगों की जिंदगी की सही सही जानकारी प्राप्त की। तब वे आश्चर्यजनक हो गए। पहले की गई स्टडी के विपरीत ही परिणाम दिखे। उनमें से केवल 4-5 ही सामान्य मारामारी में थोड़े समय के लिए जेल गए थे और बाकी सभी इज्जत के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। कुछ तो आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे स्थिति में थे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों तथा उनके प्रोफेसर साहब को बहुत अचरज हुआ कि जहाँ का माहौल गुनाह की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त था वहाँ के लोग मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी पसंद करेंगे ऐसा कैसे संभव हुआ। सोच विचार कर विद्यार्थी पुनः उन 180 लोगों से मिले और उनसे ही ये जानने की कोशिश की। तब उन लोगों ने हर एक ने कहा कि शायद हम भी गलत रास्ते पर चले जाते परंतु हमारी एक टीचर के कारण हम सही रास्ते पर जीने लगे। यदि बचपन में उन्होंने हमें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया होता तो शायद आज भी अपराध में लिप्त होते। विद्यार्थियों ने उस टीचर से मिलना तय किया। वे स्कूल गए तो मालूम हुआ कि वे सेवानिवृत्त हो चुकी है। फिर तलाश करते करते उनके घर पहुँचे, उनसे सब बातें बताई और फिर पूछा कि आपने उन लड़कों पर ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि वे एक सभ्य नागरिक बन गए। शिक्षिका बहन ने सरलता और स्वाभाविक रीति से कहा, चमत्कार? अरे मुझे कोई चमत्कार वमत्कार तो नहीं आता। मैंने तो मेरे विद्यार्थियों को मेरी संतान जैसा ही प्रेम किया, बस इतना ही। और वह ठहाका देकर जोर से हंस पड़ी।
मित्रों, प्रेम व स्नेह से पशु को भी वश में हो सकता है। मधुर संगीत सुनने से गाय भी अधिक दूध देने लगती है। मधुर वाणी व्यवहार से पराए भी अपने हो जाते हैं। जो भी हम करें, थोड़ा स्नेह और प्रेम और मधुरता की वाणी उसमें मिला के करने पर हमारी दुनिया जरूर सुंदर होगी, उसका दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना। तो दोस्तों, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? दोस्तों, जो हमारा जो सोचने का दोस्तों नज़रिया होता है दोस्तों, हमारा नज़रिया होता है दोस्तों, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर उस व्यक्ति को दोस्तों सही दिशा मिल जाती है दोस्तों, सही लाइन मिल जाती है दोस्तों, तो वो भी एक महान इंसान बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अपना सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदलिए दोस्तों, और उन सभी गरीब बच्चों की हेल्प कीजिए दोस्तों जो शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास थोड़े से भी आप संपन्न हो दोस्तों, अगर आप में दया की भावना है दोस्तों, तो उन सभी लोगों की मदद कीजिए दोस्तों जो इस बुराई का शिकार होने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस कहानी को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारा देश इंडिया जो है दोस्तों, वो हमेशा दोस्तों डेवलपिंग कंट्री ना कहलाए दोस्तों, और वो एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डेवलपिंग और डेवलप में भी काफ़ी अंतर है दोस्तों। डेवलपिंग मतलब डेवलपिंग हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा देश जिस दिन विकसित देशों की श्रेणी में आएगा दोस्तों, तब हम कहेंगे कि दोस्तों वी आर इंडियन, प्राउड से कह पाएंगे दोस्तों वी आर इंडियन। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।